नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ए, कौन है ऋतु? बाप की गाड़ी समझ रखी है, बाहर निकल। थोड़ी सी चलाने देना है, थोड़ी सी आपको, बाहर निकल। बताने कौन से गोले से टपक गया। चल जा। ये क्या डिस्को लगा रखा है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम जान के क्या करेगा? हाँ? तेरी उम्र कितनी है? नहीं बताऊंगा। तेरी शादी हुई? कराएगा। जा। मैं 20 साल का था कल तक, अब मैं 60 साल का हूँ। अच्छा। मैं भी कल चांद पे अच्छा? था। पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ आया। क्या बात है? जा। पी के आया क्या चांद से? मर पुत्र। इस जंगल में गणीय सुंदर चुड़ैल रहे से, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो ना वो तुम्हारी जवानी को एक झटके में चूस कर। बुढ़ा बना देती है मेरे तरह। तुम्हें पता है वो कैसे चूसेगी? एजी, सुनते हो? अरे आप ही को बुला रही हूं। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? हो गई है। पहले तो आप बाहर ही रंग रलियां मनाते थे,
अब इन्हें घर पर भी लेकर आने लगे हैं। कौन है वो लड़की? रॉबी? क्या हो रहा है रॉबी? चलो इसे क्या हुआ? Are you all right? चलो let's go. Okay. एक मिनट, गुल्ली कहाँ है? मुझे क्या पता? पता नहीं, अभी यहीं कहीं तो था। यहीं कहीं होता तो मुझे भी तो दिखता ना। क्या पता कार के पास गया हो? मुझे भी ना बताए वो कार के पास क्यों जाएगा? चंदू? चंदू? हाँ? अरे मैकेनिक आ गया क्या? नहीं तो? अबे यार, मैंने फोन किया था आता ही होगा, पर तू यहाँ क्यों आया? अरे मैं अकेले बोर हो रहा था वहां पर, और हाँ रास्ते में एक पागल बुढ़ा मिला था, भूत वूत के बारे में बोल के इतना डरा रहा था, मैं तो भाग के आ गया वहां से। और तुम लोग यार कर क्या रहे हो इतनी देर से? कुछ नहीं यार, तुझे पता है मैंने मैकेनिक को फोन करके कार के पास बुलाया और तू गाड़ी छोड़कर यहाँ पर आ गया। चलो तो पर कार के पास ही चलते हैं। हाँ, 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 गोल्डी कहाँ है? हाँ? What do you mean by गोल्डी कहाँ है? तेरे साथ कार में नहीं था क्या? गोल्डी मेरे साथ क्यों होगा? तुम लोगों के साथ आया था ना? देविका! Shit! ये तो अपना गोल्डी है। गोल्डी! गोल्डी कहाँ है? गोल्डी! हमें क्या पता? आप लोगों के साथ ही तो था। हमें क्या पता, बहुत मासूम बन रही हो, तुम्हें सब पता है। तुम्हारे घर में तुम्हें नहीं तो और किसको पता होगा? बताओ मुझे गोल्डी कहाँ है? ये गोल्डी है। मिला कोई? हो गई तसल्ली? हमने तो पहले ही कहा था अंदर कोई नहीं है। Thank you.
रिया, देविका, वो क्या हुआ? क्या हुआ चंदू? गोल्डी मिला क्या? रॉबी गोल्डी को मार रहा है, लगता है वो पागल हो चुका है। What? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अरे सच बोल रहा हूँ मैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यार, अब तक तो मार भी दिया होगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हुआ? वो रॉबी, रॉबी, रॉबी। रॉबी? रॉबी देखना ये क्या बोल रहा है? तूने गोल्डी को मार दिया है तूने? भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने खुद देखा है तुम्हें गोल्डी को मारते हुए। रॉबी ये क्या कह रहा है? चंदू भाई मुझे लगता है वो बुड्ढे ने तुझे बहुत डरा दिया है। नाटक मत करना रॉबी। Can you believe this? तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, मेरे साथ चलो मैं खुद दिखाता हूँ। ये रहा गोल्डी। कहाँ है? किधर? देखा था मैंने। तुम सच में पागल हो गए हो? किधर गया? कहाँ है? यही देखा गाइस मैंने। कहाँ है चंदू? यही कहीं था। कहाँ है? बता। अबे या तो उस बुड्ढे ने तेरा दिमाग खराब कर दिया या फिर तो कोई नशा वशा करके आया, और तुम लोग इस बेवकूफ की बातें मारकर मुझ पे शक कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पूरा खून था और रॉबी उसे ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 मार रहा था, मैंने देखा था यहाँ पे उसको। ये क्या तमाशा लगा रखा है हमारे घर में आप लोगों ने? हाँ देखा, मैंने बोला था ना ये रॉबी ने किया है। अपना मुंह बंद कर चंदू। किसने किया तुम्हारे साथ? तुम इसे उठाओ और हॉल में लेके चलो। कम ऑन गेट मी आउट। तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसने किया गोल्डी तुम्हारे साथ ये? मुझे बताओ, कुछ तो बताओ। गोल्डी ब्रो तू उस कमरे में गया क्यों? क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके घर में और कोई नहीं रहता? हम कितनी बार कह चुके हैं कि हमारे सिवाय इस घर में और कोई नहीं रहता। अच्छा कोई नहीं है? कोई नहीं है तो फिर इसकी ये हालत किसने की? गाइस गोल्डी की हालत खराब होती जा रही है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्यों ना हम डॉक्टर को यहीं बुला लें? जी हाँ, आसपास से कोई नहीं आएगा। मतलब आप लोगों ने सुना नहीं गांव वाले क्या बोल रहे थे? लेकिन आपने तो कहा था कि ये कफ्फा है। जो आप लोगों ने सुना वो कभी कभी सच हो जाता है। इस घर में काफी कुछ बुरा हुआ है, ये जो भी हो रहा है वो हम नहीं ये घर कर रहा है। हमें माफ कर दीजिए, हम आप लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, यू मीन टू से कि यहाँ पर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो तुम नहीं ये घर कर रहा, और इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तुम हमें ये समझाना चाहती हो
हा? समझाना नहीं, आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो आप लोगों के साथ। यहाँ पे तुम्हारे घर पे इतना कुछ होता है हमारे साथ और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? वाओ, ये देखना क्या बकवास कर रही है यार, देखना रॉबी ये क्या। चुप। जी कहिए, कौन चाहिए आपको? जी मैं मैकेनिक हूँ, वो गाड़ी के पास कोई था नहीं तो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक चला आया। चंदू, हाँ चाबी। हाँ बॉस, ये गाड़ी जरा जल्दी ठीक कर दीजिएगा प्लीज, अर्जेंट है। हाँ इन्हें क्या हुआ? इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज जल्दी से गाड़ी ठीक कर दीजिए, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ेगा। कोशिश करूँगा। सब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं आपको, यहां पर आते वक्त मैंने एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनी। एक बुड्ढा बता रहा था कि इस घर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत के भेष में चुड़ैल रहती है। वो कह रहा था कि जो भी आदमी इस घर में आता है उसे अपना पति मान लेती, उसका ख्याल रखती है, उसे संभालती है, उसकी पत्नी बनकर उसे औरत का सुख देती है, खूब सुख। हाँ लेकिन जब इन सब बातों से दिल भर जाएगा और वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगी किसी भी सूरत हाल में। क्या खूब कहानी है, ये मेरा घर है, मैं यहां रहती हूं। क्या मैं आपको चुड़ैल जैसी दिखती हूं? और सुनो, मेरे घर में आके ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। बॉस आप कार ठीक कीजिए ना प्लीज। काश ऐसा होता। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आप फिर भी आएंगे? हाँ मैं जाता हूं, ये गाड़ी रिपेयर करके रेडी रखूंगा। हाँ क्या यार, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले गोल्डी फिर ये मैकेनिक, जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। उस बुड्ढे ने हमें पहले ही मना किया था लेकिन हम फिर भी आ गए यहाँ पर। अब ये मत कहना कि अगर हम बाहर गए तो हम सब मर जाएंगे। देखिए जो हुआ वो कोई इत्तेफाक तो था नहीं, इस
घर का एक बहुत ही भयानक इतिहास है। आप लोग गलती से भी इस घर से जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जो होगा उसके लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा।